जय श्री राम कुरियन के व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं माई सेकेंड अहारो के एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ कॉलेज में साइको किनो और ताकू के किस को लेकर सोचती है। वहाँ सभी फ्रेंड्स आते हैं। साइको उनसे पूछती है कि शेयर हाउस का एक रूल है ना कि रिलेशनशिप में तुम एक साथ रह नहीं सकते। सभी एग्री करके पूछते हैं तुम क्या रिलेशनशिप में आना चाहती हो। साइको मना करती है। मारिन कहती है फादर ने कहा था रिलेशनशिप से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। साइको तभी पूछती है अगर किसी ने रूल तोड़ा हो तो। मारिन बताती है उसे शेयर हाउस छोड़कर जाना होगा। यहाँ ताकू कांतो डिजाइन कंपटीशन जीतता है। किना और ताकू बहुत क्लोज होकर बातचीत करते हैं। साइको उन दोनों को देखकर सोचती है ये लोग वाकई में डेट कर रहे हैं। तभी साइको भी कंपटीशन में एंटर करने का सोचती है। सभी उसे मना करते हैं। साइको को पता चलता है कि मिस्टर शोगो पार्टी करने के लिए आ गए हैं। वो वॉशरूम में दौड़ी दौड़ी जाती है ताकि वो अपना हुलिया ठीक कर ले। शोगो साइको के बारे में ताकू से पूछता है। ताकू बताता है कि वो फ्रेश होने गई है। तभी साइको बाहर आकर मना करती है। ताकू ये सब नोटिस करता है कि साइको शोगो के लिए तैयार होकर आई है। सभी पार्टी करते हैं। बाद में ताकू साइको से अटकता है। ये सब किना देखती है। ताकू कहता है तुम्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है मिस्टर शोगो के सामने तुम्हारा एक्सप्रेशन। वैसे तुम्हारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप था। साइको बताती है बस जानते हैं हम एक दूसरे को। मैं उनके आर्किटेक्ट की फैन हूँ। ताकू मुंह बनाते हुए कहता है उनका फैन होना बहुत अजीब नहीं है। साइको कहती है हम बस एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हें तो पता है इस घर के रूल्स मैंने कल रात देख लिया। ताकू पूछता है क्या देखा। साइको उसे साइड में ले जाकर बताती है तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे मैंने देखा। ताकू हंस के कहता है वो बस मेरे चेहरे पे कुछ लगा था वो बता रही थी। साइको कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों डेट करो या नहीं बट अगर तुम लोग पकड़े गए तो यहाँ से किसी एक को घर से जाना होगा। ताकू हंस के कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। किना मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती है। साइको उसे फीलिंग्स की बात बताती है। ताकू कहता है गिल्टी तो मैं हूँ जिसके मन में कुछ है। किना तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती। कुछ दिन बाद साइको के लैपटॉप में पानी गिर जाता है। वो मुंह बनाती है मेरे गावा सजेस्ट करता है नया ले लो। साइको कहती है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तागमी कहता है असाइनमेंट के लिए तुम्हें खरीदना तो पड़ेगा। वो लैपटॉप का अमाउंट बताता है। साइको शॉक में रहती है। बाद में साइको कॉलेज के नोटिस बोर्ड में पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है। तभी वहाँ शोगो आता है। साइको सारी बात उसे बताती है। शोगो से सजेस्ट करता है कि मेरे पास हाउस वर्क का एक ऑफर है जहाँ मैंने घर का आर्किटेक्ट किया। साइको समर ब्रेक में काम करने के लिए खुशी से एग्री करती है। टेस्ट ओवर हो जाते हैं। समर ब्रेक कल से स्टार्ट होने वाले हैं। सभी कैंटीन में वही बात करते हैं। साइको अपने पार्ट टाइम जॉब की डिटेल्स सभी को बताती है। ताकू पूछता है असाइनमेंट और कॉम्पिटिशन तुम एक साथ कर पाओगी। साइको एग्री करती है बट सभी मेंबर्स उसे घूरते हैं। यहाँ साइको पार्ट टाइम जॉब के लिए रेडी है। वो घर घर जाके सारे हाउस होल्ड वर्क करती है। कुछ लोग उसे टिप भी देते हैं। यहाँ शेयर हाउस में सब गेम खेलते हैं यानी आंखों पे पट्टी बांधकर वाटरमेलन को तोड़ते हैं। साइको पार्ट टाइम जॉब करके आती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। तागमी कहता है तुम बहुत मेहनत करी हो। साइको बताती है पता नहीं मैं अब कैसे पॉपुलर हो गई हूँ। असादा कहती है तुम 8 गुना ज्यादा काम करी हो। साइको बताती है असाइनमेंट के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। ताको पूछता तुमने मैसेज चेक किया मैंने कंपटीशन का लिंक भेजा है चेक करो। साइको चेक करती है। ताकू बताता है तुम्हें ये सब पूरा करना होगा। रात में किना ताकू के रूम में आकर ड्रिंक करती है और पूछती है तुम साइको के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं करते असाइनमेंट में हेल्प कॉम्पिटिशन के बारे में बताना। ताकू कहता है सच में उसने अपनी एज से हटकर कॉलेज ज्वाइन किया मैं चाहता हूँ कि वो पूरे अच्छे से करे। किना बताती है ये बहुत रेयर है कि तुम किसी के लिए कुछ करो। ताकू पूछता है सच में। किना ताकू का लैपटॉप क्लोज करके उसके बहुत करीब आती है। ताकू हड़बड़ा के पूछता है क्या। किना कहती है जेलस। वो उठ के चली जाती है। यहाँ खाली लाइब्रेरी में साइको कंपटीशन और असाइनमेंट बनाती है बट फेल हो जाती है। बाद में उसे मिस्टर शोगो दिखता है। वो सारी बात उसे बताती है। शोगो कहता है पार्ट टाइम जॉब कॉम्पिटिशन और असाइनमेंट सब एक साथ करना इज रिमार्केबल। साइको कहती है ताकू और सभी हार्ड वर्क करते हैं मुझे भी लगता है कि मैं भी करूं। वैसे भी मैंने ये सब लेट स्टार्ट किया है बट मुझ में टैलेंट ही नहीं है। शोगो से आइडिया और रेफरेंस बताकर मोटिवेट करते हुए पूछता है तुम इस वीकेंड फ्री हो ताकि तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिल सके। ये सारी बात साइको निमुरा को बताती है कि हम कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन जाएंगे। निमुरा उसे डेट की तरह समझती है। वो बातों ही बातों में पूछती है कल क्या पहनने वाली हो तुम। तभी साइको एक शॉप में जाकर ड्रेस सेलेक्ट करती है। वीकेंड वाले दिन साइको तैयार होकर निकलती है। ताकू सोकर उठता है। साइको से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं या नहीं। ताकू एग्री करके उसे छेड़ता है। जैसे ही साइको जाती है ताकू पूछता है तो मिस्टर शोगो के साथ डेट पे जा रही हूँ क्या। साइको खुशी से एग्री करते बताती है ये म्यूजियम डेट है
ताकू कहता है छुट्टी वाले दिन तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए। साइको बताती है मैं लाइफ एंजॉय करने जा रही हूँ, कुछ होगा तो तुम संभाल लेना। साइको चली जाती है, ताकू उसे ऊपर से टेरेस से जाते हुए देखता है। यहाँ शोगो साइको से लेट आने के लिए सॉरी कहकर पूछता है, तुम तैयार तो ऐसे होकर आई हो कि जैसे तुम डेट पे जा रही हो। साइको मुंह बनाकर सोचती है, क्या ये डेट नहीं है। जब दोनों आर्ट एग्जीबिशन पहुँचते हैं, साइको वहाँ आर्ट को देखकर अपना ओपिनियन बताती है, पर शोगो उसे बार बार करेक्ट करता है। साइको खुद को स्टूपिड समझती है, बाद में शोगो उसे टिप्स देकर मोटिवेट करता है। जैसे ही साइको घर लौटती है, वो सभी को बताती है, चाहे कुछ भी हो मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगी, असाइनमेंट के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। जब आप 30 के ऊपर होते हो आपको चिंता कम होने लगती है, वो रूम में लौटकर अपना काम करने लग जाती है। क्या शोगो घर लौटता है, मारिन पूछती है, आप इतनी जल्दी घर क्यों लौटा है, डेट जल्दी खत्म हो गई क्या। शोगो कहते हैं, वो डेट कहाँ थी, हम म्यूजियम गए थे। मारिन बताती है, मुझे लगा था कि साइको से डेट समझ रही थी। फाइनली शोगो को सब समझ आता है। यहाँ साइको जॉब असाइनमेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी खुद ही करती है, पर उसकी हालत बहुत बेकार हो जाती है। समर ब्रेक में सभी घर जा चुके होते हैं साइको के पास। उसके भाई का कॉल आता है कि तुम घर नहीं आ रही हो क्या। साइको अपना बिजी स्केड्यूल बताकर मना कर देती है। यहाँ ताकू खाना बनाता है, वो साइको को बुलाता है, पर साइको काम करते करते सो चुकी होती है। ताकू उसकी हालत देखकर खूब हंसता है और उसका काम देखकर सोचता है, ये तो वहीं अटकी है, आगे बढ़ी ही नहीं। ताकू चिल्लाता है, तभी साइको उठकर पूछती है, सॉरी तुम्हें ही सारा खाना बनाना पड़ रहा है। पर सभी कहाँ है। ताकू बताता है, वो सभी घर गए हैं। साइको पूछती है, तुम क्यों नहीं गए। ताकू कहता है, मुझे उनसे बहुत नफरत है। साइको हंस के कहती है, तुम अभी भी लड़ाई के मूड में हो उनसे। दोनों डिनर करते हैं। ताकू पूछता है, तुम अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, तुमने लैपटॉप के लिए पैसे भी सेव कर लिए हैं, तुम्हारा कमरा भी बहुत मैसी है। साइको एग्री करती है। ताकू पूछता है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन में काम का प्रोग्रेस हुआ भी नहीं है। साइको पूछती, तुम्हें कैसे पता। ताकू बताता, मैंने देखा समर असाइनमेंट का क्या हुआ। साइको कुछ नहीं कहती। ताकू पूछता है, किसी में भी प्रोग्रेस नहीं, तो तुमने कॉलेज क्यों ज्वाइन किया, आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, तो तुम अपना पूरा फोकस उस पे क्यों नहीं कर रही हो। जब तुम इस घर में पहली बार आई, मुझे लगा तुम बहुत अमेजिंग हो। जब हम पहली बार मिले, तुम बार बार एक्सक्यूजेस दे रही थी, बट बाद में तुमने अपना फ्यूचर डिसाइड किया। तुम्हें वो सोचना चाहिए जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। कॉलेज में आ गई हो तो बस खुश मत होना। साइको कहती है, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो, जब तुम अपने पेरेंट्स को वैल्यू ही नहीं करते। मुझे भी पार्ट टाइम जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी पैसों की चिंता करना बिल्कुल नहीं पसंद नहीं, बट मुझे पढ़ने के लिए पैसे चाहिए ताकि मैं अपने खर्चे और ट्यूशन की फीस दे पाऊँ। तुम खुद के पैसे पे जिए नहीं हो ना, इसलिए ऐसे मत बनो कि तुम सब जानते हो। ताकू डिनर बिना खाए चला जाता है। दूसरे दिन साइको सोचती है, मैं कुछ कल ज्यादा ही बोल गई। वह जैसे ही वॉशरूम जाती है, वहाँ ताकू ब्रश करता है। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। बाद में साइको घर से बाहर आकर कॉफी लेते हुए कल की बातें सोचती है। साइको सी साइड में जाकर सोचती है कि अपनी बिना मीनिंग वाली लाइफ जीना चाहती हूँ। वो ताकू की बात समझते हुए सोचती है कि मैं पढ़ाई से ज्यादा पैसों को वैल्यू कर रही हूँ। यहाँ ताकू ब्रेकफास्ट बनाता है, उसे साइको की याद आती है। यहाँ साइको सोचती है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। ताकू साइको के लिए पास्ता बनाकर उसे मैसेज करता है, मैंने कुछ ज्यादा बना लिया है, पूरा खा नहीं पाऊंगा, घर आ जाओ। साइको खुश होकर घर वापस आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खूब हंसते हैं और खाते हैं। ताकू पूछता है, तुम कहाँ गई थी। साइको बताती है, सी साइड, थोड़ा कूल डाउन होने। ताकू कहता है, बाद में हम शेव्ड आइस लेंगे, पूरे समर तुम बिजी थी, हम कुछ कर ही नहीं पाए। बाद में दोनों टेरिस पे शेव आइस खाते हैं और रिलैक्स करते करते साइको और ताकू एक दूसरे को कल रात की बातों को लेकर एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। साइको बताती है, मैं पार्ट टाइम जॉब छोड़ना चाहती हूँ ताकि मैं इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस कर लूँ। वो अपना पुराना ऑफिस एक्सपीरियंस बताकर कहती है, मेरे पास टाइम कम है, तुम यंग हो, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है। ताकू मना करके कहता है, तुम हम सबसे बहुत आगे हो, एज मैटर नहीं करती, तुम्हें जो करना है जहाँ जाना है वहाँ फोकस करो, सिर्फ तुम ही हो जो बहुत हार्ड वर्क करती हो और जो बनना चाहती हो तुम वही बनोगी। साइको कहती है, तुम मुझसे भले ही 10 साल छोटे हो बट मुझे तुमसे सीखने के लिए बहुत मिलता है। ताकू पूछता है, मिस्टर शोगो के साथ तुम्हारी डेट कैसी गई। साइको बताते है, वो डेट ही नहीं थी, उन्होंने कहा था कि तुम डेट की तरह तैयार होकर आई हो। ताकू कहता है, तुम ब्यूटीफुल लग रही थी, मुझे लगा तुम ग्रोन अप वुमन हो गई हो। बाद में शोगो का डिनर डेट के लिए साइको के पास मैसेज आता है। साइको हड़बड़ाती है। ताकू कहता है, शायद ये डेट ना हो। साइको पूरा मैसेज देख के बहुत खुश होती है। ताकू और साइको दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बाद में साइको अपना काम स्टार्ट करती है। सभी फैमिली मेंबर्स वापस लौटते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने होम टाउन से लाते हैं। यहाँ अंदर साइको चीखती चिल्लाती है कि मैं लेट हो गई डिनर डेट के लिए। बाहर से ताकू पूछता है, तुम चिल्ला क्यों रही हो।
साइको कहती है, ताकू तुम कार रेडी करो, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। ताकू कहते हैं, उसने मुझे ताकू कहा। वो हंस के पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? साइको बताती है, मिस्टर शोगो के साथ डेट पे। ताकू उसे ड्रॉप करके छोड़ता है। यहाँ घर पे कीना वापस आती है और सामान देकर ताकू के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि ताकू साइको को छोड़ने गया है। यहाँ रेस्टोरेंट जो मिस्टर शोगो ने बुक किया था, वह साइको पहुँचती है। शोगो साइको को कॉल पे कहता है कि मैं काम पे बिजी था, इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। जैसे ही शोगो बाहर जाने के लिए निकलता है, बिन बुलाए मेहमान गेट पे खड़ा होता है। ताकू, कीना, साइको और शोगो, इन सबकी जिंदगी बदलने वाली है। एक लड़की शोगो के गले लग के कहती है, आई मिस यू शोगो। शोगो कहता है, रिंको। यहाँ साइको शोगो का वेट करती है, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन सगा एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन.सगा। थैंक यू।